ग्रेट वर्क मिस जानवी। अब जाकर ये प्रोजेक्ट एकदम वैसा लग रहा है जैसा हमने फर्स्ट गो में डिस्कस किया था। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि अदी के पासपोर्ट के पेजेस खत्म हो गए थे। एयरपोर्ट वालों ने कहा कि नए इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए और एक दिन निकल जाएगा, तो हमें ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। यू आर हायरिंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव। एक्चुअली मैं जानवी को प्रपोज करने के लिए आया था। मांस मच्छी खाकर आए हो, तुम्हारे मुंह से बास आ रही है। उठ निकल निकल। ये And a very, very happy anniversary. अरे वाह, बहुत ही बढ़िया केक लग रहा है, है ना? टीटी की रेसिपी है। I hope taste भी उतना ही अच्छा करे। मैंने शुगर फ्री से बनाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज के दिन भी पापा को परमिशन लेनी पड़े एक बाइट के लिए। आज उनका स्पेशल दिन है ना, मैं चाहती हूँ कि वो फुल बिंदास होकर करे उन्हें जो भी करना है। तुम्हें सबका कितना ख्याल है बेटा, माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे। मम्मी जी आप भी ना, आप तो कॉमेडी सीन में सेंटी हो गई। अच्छा पापा जी कहीं फिर से हेयर डाई के साथ एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने लग गए सुबह सुबह? नहीं नहीं, अभी तक सो रहे, और ऐसे सोए जैसे हाथी घोड़ा सब बेचकर सोए। वैसे मुझे लगा था कि केक की खुशबू से वो जाग जाएंगे, पर नहीं, अब लगता है 70 साल की थकावट मिटा कर ही उठेंगे। और तुझे पता है पार्टी की एक्साइटमेंट में रात को 3 बजे जाग गए। सो क्यूट। मैंने उनको बोला कि अभी सिर्फ 3 बजे सो जाइए, तब जाकर सोए। नहीं अच्छा है, उन्हें सोने दीजिए। वैसे भी देर रात तक पार्टी चलेगी तो उन्हें थकान नहीं होनी चाहिए। हाँ मम्मी आप 2 बजे तक रेडी हो जाना, मैंने आपके और पापा के लिए एक स्पेशल रोमांटिक स्पा बुक किया हुआ है अपने सैलून पे। दादी। थैंक यू। दादू कहाँ है? अरे बेटा अभी तक सो रहे हैं। अरे तो दादी को दे दो ना। नो, आज दादी दादू की एनिवर्सरी है और हर चीज साथ में होनी चाहिए, राइट? राइट। इसलिए हम आपको बुके भी साथ में ही देंगे। अगर ये बात है ना तो जाकर दादू को उठा कर लाओ, अब तक सो रहे हैं। चल दादू को उठा के आते, चल 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 जल्दी। आप बैठिए, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। बैठिए। देशो जी। हाँ ये ग्रीन जूस दे दो मम्मी को प्लीज। अरे के माया दीदी, आज के दिन भी ये कड़वा कड़वा करेले का जूस। भैया आज का दिन तो स्पेशल है, इसीलिए आज तो भाई देशों का झज्जर फेमस एलोवेरा जूस, वो भी गुड़ की मिठास के साथ पियो। और माया दीदी एक बात बोलूं ना, आप भी ना 1-2 गिलास गट्टा की लो, गारंटी है 100% आप उसके जबरे वाले फैन हो जाओगे। देशो हम पहले से ही तुम्हारे फैन है। माया दीदी। Your work and performance overall has been par excellence. We take immense pleasure in announcing you as the new business strategy head India for special projects. Congratulations ma'am. Finally aapko double promotion mil hi gaya. Ab to party banti hai. What's it guys? Haan, we'll definitely celebrate. Par abhi nahi. Ek bar hamara project successfully execute ho jaye na, then we'll celebrate. And thanks to you all. आप लोग की वजह से तो हमारे प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला है। पता है इससे कंपनी को कितना फायदा हुआ है? हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर विंग अब शटडाउन नहीं होगी, एंड मार्केट में हमारी शेयर वैल्यू घटेंगी नहीं, इनफैक्ट बढ़ जाएंगी। Isn't that great? Yes ma'am. Thank you so much ma'am. हमें पता है कि आपने कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए ये सब किया है। आप जानती थी कि अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से गया तो कंपनी बंद हो सकती थी और हम सब की नौकरियां जा सकती थी। और अगर आप चाहती ना तो दोबारा इस प्रोजेक्ट को लीड करने से मना कर सकती थी, लीव ले सकती थी, या फिर वो केविन सर की बैंड बजाने के लिए उनके लेवल तक गिर सकती थी। पर आपने ये सब नहीं किया, सिर्फ हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई महान काम नहीं किया है, एंड मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है। सब लोग पहले दिन से जानते थे इस बात को कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी सीरियस थी। इनफैक्ट मैं अभी भी उतनी ही सीरियस हूं। So get up people, we have a lot more to do now. Yes. उठो ना दादू,
दादू दादू उठो ना। अरे क्या हुआ, क्या तुम लोग शोर मचा रहे हो, क्या बात है? दादू उठ नहीं रहे, हम कब से उठा रहे हैं दादू को। किशन जी अब बहुत हो गया मजाक, उठ भी जाइए। देखिए बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारियां करके रखी है, कितने अच्छे फ्लावर्स लाए हमारे लिए। पापा उठिए। अच्छा हो सकता है पापा की तबीयत खराब हो। अरे रात तक तो बिल्कुल ठीक थे। मम्मी पापा का माथा ठंडा हुआ रखा है। वो आजकल आर्थराइटिस की हैवी डोज लेते हैं ना, इसलिए ऐसे गहरी नींद सोते हैं। अच्छा क्या हुआ माया? दीदी जी डॉक्टर ने बुला लो ना। धरा जाओ मम्मी का फोन लेकर आओ। हाँ मम्मा। ये लो मम्मा। हेलो 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 डॉक्टर साहब। अब उठ भी जाओ, इतना सो गया आप। देखिए ना बच्चों ने कितनी तैयारियां करके रखी है। आपकी आज एनिवर्सरी है ना दादू, प्लीज उठ जाओ दादू, प्लीज उठो ना दादू, प्लीज दादू दादू। मुझे सिर्फ एक घंटे की परमिशन मिली है बाहर रहने की, कहाँ रह गई यार जानवी? चिल चिल, लेट आना उसकी पुरानी आदत है। उसका ऑफिस ना तेरे सासू माँ से कुछ कम नहीं है, 100-100 कार्यक्रम हमेशा रेडी रहते। जिस दिन वो करेक्ट टाइम पे आ जाए ना, उस दिन सीआर पार्क में मैं मिठाई बांटूंगी, प्रॉमिस। वाह कर ली मेरी बिचिंग। ये और भी कुछ बाकी है मंगाना, तेरे को ना बस बहाना चाहिए। अरे पागल है क्या, पहले तू टाइम देख ले, ये देख फिर बात करना। वैसे क्या बात है, आज बहुत चमक धमक रही है। अच्छा कहिए केविन की मोहब्बत का असर तो नहीं? मोहब्बत नाइट पुट, प्रमोशन मिला तेरी जानू को। क्या बात कर रहे, फिर तो पार्टी बनती है बॉस। अरे मिलेगी मिलेगी, पार्टी भी मिलेगी। जब मैं सीईओ बन जाऊंगी ना तब सबको पार्टी दूंगी। पता है ऑफिस में भी इतनी ज्यादा बीटी हो रखी है ना यार, मुझे खुद को ही रियलाइज नहीं हो रहा है कि मुझे प्रमोशन मिल चुका है। ठीक है जब मर्जी तब पार्टी दे देना, अभी हमें जाना है। माया ने जिस डिटेक्टिव का कॉन्टेक्ट दिया था ना उसे मिल ले, लाल किला। लाल किला? तुझे लाल किला नहीं पता? रेड फोर्ट सुना है? हाँ वो तो पता है। तो उसे ही लाल किला कहते हैं, रेड फोर्ट लाल किला। तो ठीक है ना यार, हो जाता है कभी कभी। अच्छा चल चलो यार उसके पास चलते हैं। मैंने सुना है उस बंदी का दिमाग ना ऑलरेडी थोड़ा सा खिसका हुआ है। क्या नाम बताया था उसका? केटी। केटी? करिश्मा तलवार, ऐसा ही कुछ नाम था। हाँ तो चलो फिर चलते हैं, हम ऑलरेडी लेट है। नहीं तो पता चला वो करिश्मा तलवार तलवार लेकर हमारा वेलकम कर रही है। अरे वाश्रेया सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, नाइस। ये सब ना आप सब देवियों से ही सीखा है। नो थैंक यू श्रेया, थैंक यू। चलो यार चलो, नहीं मिली तो माया अलग जान खाएगी। हाँ यार यू नो माया को ना एक अलग से एप्लीकेशन लॉन्च करवाना चाहिए, जैसे माया सलून वैसे माया ऐप, जहाँ पे काम वाली बाई से लेकर डिटेक्टिव, मसाज देने वाला या फिर वाली सब अवेलेबल होगा। एब्सोल्युटली। पूरी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, माया के पास हर चीज का जुगाड़ होता है। या एक सेकंड एक सेकंड, फोन बज रही है। देशो जी। हाँ जी फरमाइए। क्या किशन अंकल पास्ट अवे? व्हाट, पर कैसे? ठीक है तू रख, हम अभी आ रहे हैं। आज तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। चलो 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 चलो। मम्मी जी ये उन्हें पसंद तो आएगा ना? हाँ पुत्र जरूर पसंद आएगा, और अगर ना पसंद आए ना तो उनके साथ लाजपत नगर मार्केट चली जाना और चेंज कर लेना, बस सिर्फ बिल संभाल के रखना। हाँ वो तो मैंने रख लिया है।
और मैंने प्राइस टैग्स भी हटा दिए हैं। जी राम राम तान्या दीदी। राम राम माँ जी। तान्या दीदी, माया दीदी ने नील बाबा को नहीं छोड़ने के लिए कहा है। लो कर लो बात, आज तो सारे घर में तांडव होने वाला है। जब मीत, प्रीत और नील मिलते हैं ना, तो पूरा घर सर पे उठा देते हैं। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है, दादू के पास जाना है। अरे बच्चे, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। नहीं बाबा, माया दीदी ने भी मना किया ना घर आने से। क्या बात है देशो, घर पे सब कुछ ठीक तो है ना? माया ने नील को घर पे आने से मना क्यों किया है? माँ जी, वो दरअसल अंकल जी नहीं रहे। क्या किशन भाई साहब? सतनाम, वाहेगुरु वाहेगुरु। बाबा जी, पुत्र अच्छे बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, उसके बाद घर चले जाना। हाँ मेरा सोना पुत्र। थाना पुत्र, तू जल्दी से माया के घर चली जा, उसे तेरी जरूरत होगी, बच्चों को यहाँ मैं संभाल लूंगी। जी मम्मी जी, चलते शो। काका अठा, मैं हर मदद करूँ आपकी? नहीं ठीक है, तो फिर अंदर वाले रूम में रखवाइए उसको तुरंत, ओके? और फिर ये वहाँ से काका जल्दी से इसको फोल्ड कर दो ना, ये वाला और वो वाला दोनों अंदर रखवा दीजिए। हाँ काका, बेडशीट यहाँ रखवाइए ना प्लीज़, मैं कब से बोल रही हूँ आपको, आगे का मैं बताती हूँ आपको। हेलो चाची। हाँ जी प्रणाम। वो जी, वो 3 बजे उठे थे और फिर पता नहीं वो उठे नहीं। नहीं अविनाश नहीं है ना, लंदन गया हुआ है जी। नहीं 5 बजे से पहले अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, वो 5 बजे ही आएगा। आप आ जाइए ना शाम को, मैं कॉल करती हूँ आपको बाद में। हाँ हाँ ओके, अच्छा हुआ तू आ गई। देख मैं पूरी अकेली पड़ गई थी, बहुत 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 सारा काम बाकी है। अविनाश को पता है कब से फोन करी, उसका नंबर ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। माया हाँ, ये सब अचानक से कैसे? हाँ हाँ, वो उठे थे 3 बजे सुबह और मम्मी से बात भी हुई, लेकिन फिर सुबह। एक मिनट रुका। काका काका काका, एक काम करिए आप ये यहाँ रखिए, एक काम करिए वो यहाँ आइए, ऊपर लेफ्ट वाले रूम में ना बाकी के गद्दे भी पड़े हुए हैं, और वो जो बेडशीट्स है वो भी दोनों ले आइए प्लीज़। और क्या क्या कहा? हाँ ये सेठी आंटी का है, ऊपर गंगा जल, गंगा जल। काका आपको कब से बोल रही हूँ मैं, मंदिर वाले रूम से गंगा जल लेकर आइए, लेकर आइए। और सुनिए, पानी का कंटेनर और ग्लास हम कहाँ रखेंगे? कहाँ? हाँ यहाँ पर सेट कर लीजिए। हाँ पानी का ग्लास और कंटेनर, लोग आएंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है आप जाइए ये करिए, और फिर मैं आगे का बताती हूँ। देखो मैं कब से फोन कर रही हूँ, अविनाश का फोन नहीं लग रहा। एक काम करो, एयरलाइंस फोन करके क्रॉस चेक करो फ्लाइट कितने बजे लैंड होने वाला है। ओके मैं पंडित जी को फोन करती हूँ, पंडित जी को फोन करती हूँ। हेलो हेलो पंडित जी, जी मैं माया, माया बियानी। हाँ जी पंडित जी, हमारे पापा जी कल रात गुजर गए, तो नहीं अविनाश घर पर नहीं है, वो लंदन गए हुए, वो 5 बजे ही लौटेंगे। नहीं अंतिम संस्कार 5 बजे के बाद ही हो सकता है। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता ना। देखिए अंतिम संस्कार आज ही करना होगा, इसके लिए अविनाश जी का आगमन अनिवार्य है। मैंने अभी अभी एयरलाइंस की वेबसाइट चेक की और उसके हिसाब से फ्लाइट तो ऑन टाइम है 3:30 बजे, लेकिन कॉल सेंटर में कोई फोन नहीं उठा रहा। वो मुझे माया जी ने फोन करके बताया था, फिर भी आप फ्लाइट का कंफर्म कर लीजिए, अगर उसके बाद भी विलंब होता है तो दूसरा बेटा मुखाग्नि दे सकता है। पंडित जी अविनाश ही इनका एक लौता बेटा है और वो दोपहर तक आएगा, क्या हम तब तक नहीं रुक सकते? देखिए मुखाग्नि सूर्यास्त से पहले ही देना होगा, उसके बाद पंचक लग जाएगा, फिर आप 5 दिन तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इनकी आत्मा की शांति के लिए जितना जल्दी हो सके मुखाग्नि दे दीजिए तो बेहतर होगा। माया बेटा, पंचक के टाइम से पहले ही अंतिम संस्कार करना बेहतर है, क्योंकि कहते हैं कि पंचक के टाइम में अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो एक ही घर में 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है,
देव एक काम कर, फिर से फोन कर ले। 3:30 बजे की फ्लाइट लैंड होने वाली है, 4:30 बजे तक आ जाएगा अविनाश ना। हाँ मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। पंडित जी आप सारी तैयारी करके रखिए, अविनाश जैसे ही पहुंचेगा ना हम क्रिया शुरू कर देंगे, ठीक है जी। एक मिनट देव, देव इधर आओ, मैं अविनाश को एक मैसेज भेज देती हूँ, दैट कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, वो जरूर मुझे कॉल करेगा। माया मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो बोलो। मेरी अभी फ्लाइट का जो कॉल सेंटर है उसमें बात हुई है और अभी की फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। What? ऐसे कैसे कर सकते? माया फोन। हेलो हेलो अभी माया क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा मैसेज आया था। माया क्या हुआ? अविनाश अविनाश पापा जी चले गए। प्लीज तुम कहो, वी नीड यू हियर। अभी अभी कुछ बोल के नहीं रहे। मेरी बात करो। एक सेकंड प्लीज तुम बात करो। दीदी जी संभालो अपने आप में। सॉरी। हेलो अवि, तू ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? पता नहीं यार, एक्चुअली कल तक तो सब ठीक था। इनफैक्ट रात को उनसे 3 बजे उनकी एनिवर्सरी पार्टी के बारे में बात भी हुई। आंटी बता रही थी कि सुबह 7 बजे वो उनको उठाने गई तो वो उठे नहीं रहे थे, और फिर 1 घंटे के बाद में जब बच्चे उठाने गए तो अभी अभी तू कुछ भी कर, बस जल्दी आ जा यार। आंटी, बच्चे, माया, सबको तेरी बहुत ज़रूरत है। बस तू फटाफट से कोशिश कर और जल्दी से आ प्लीज। मेरी फ्लाइट रूम में डाइवर्ट हो गई है, अगर मैं आना भी चाहूँ तो रोम से अगली फ्लाइट 2 दिन बाद है। अगर मैं यहाँ से रोम से दुबई जाता हूँ और दुबई से दिल्ली की फ्लाइट लेता हूँ तो भी मैं 29 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। What? मैं कल से पहले नहीं पहुंच सकता, मैं क्या करूँ? अच्छा तू इस नंबर पे अवेलेबल है ना? हाँ। सुन मैं काम करता हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। देख मैं जानता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है, बट प्लीज अपना ख्याल रखना एंड हो सके तो प्लीज बहुत ज्यादा मत सोचना। हाँ तुम वहाँ पे सारे घर वालों का ध्यान रखना, मैं जितना जल्दी होता है उतना जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना? ओके। ना दीदी क्या होने? अविनाश आ रहा है ना? आवी की फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है रोम की तरफ, उसे यहाँ पहुंचने में कम से कम 29 घंटे लगेंगे। अरे ऐसे कैसे? अब हम क्या करेंगे? ऐसे में पोता मुखाग्नि दे सकता है। नहीं थाने पुत्र, तू जल्दी से नील को लेकर यहाँ पर आ जा। हाँ माया बेटा, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अविनाश का वेट करने का अब कोई भी फायदा नहीं है, और वैसे भी नील भी तो इसी घर का बेटा है ना, वो किशन भाई साहब का अंतिम संस्कार कर सकता है। नहीं नहीं नील नहीं कर सकता, वो अभी बच्चा है, और वैसे वो इतना परेशान था कि उसके दादाजी सुबह उठे नहीं। नील नहीं, वो तो परेशान है और वो संभाल नहीं सकता ना। आप लोग प्लीज, मम्मी आप समझती हैं ना? पर माया इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, पंचक के टाइम में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे हम किशन भाई साहब की बॉडी को 5 दिन तक नहीं रख सकते हैं, ये अच्छा नहीं है बेटा। माया देख, जो रीति रिवाज है वो तो है ही ना, वो तो करना ही होगा। मैंने तान्या को फोन कर दिया है, वो नील को लेकर बस आती ही होगी। अरे आप
तानिया को फोन। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? नील, नील नहीं कर सकते ये सब। माया, अंतिम संस्कार नहीं करेगा और कोई भी नील के पास नहीं जाएगा।